वो जख्मी थे फिर भी लड़ते रहे। उन्हें ऑर्डर मिले थे पीछे हटने के, पर वो पीछे नहीं हटे। लौटते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकारा। उन्हें गोली लगी थी, पर वे दुश्मन को खाक करने में जुटे रहे, और तब तक जुटे रहे जब तक खुद खाक नहीं हो गए। युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान के 60 टैंकों को लोहे का कबाड़ बना दिया था। वो अपनी यूनिट के लिए शहीद होने के बाद भी उनके लिए प्रेरणा बने रहे, और उनकी यूनिट अकेले ही पाकिस्तान से मुकाबला करती रही। ये कहानी है तारापोर और उनके यूनिट के बहादुरी की। इस युद्ध में भारतीय सेना लगभग 35 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस चुकी थी। यहाँ पर तारापोर की यूनिट का मुकाबला उस वक्त के सबसे एडवांस पैटर्न टैंकों के साथ था, जबकि भारत के पास दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए सेंचुरियन टैंक थे। तारापोर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे हेवी आर्टिलरी अटैक की चिंता किए बिना आगे बढ़ रहे थे। वो पाकिस्तान की जमीन पर डटे हुए थे और उनके पैटर्न टैंकों को भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। इसी बीच उन्हें पीछे हटने के आदेश मिले। तारापोर ने अपने जवानों से कहा कि हम जीत के करीब हैं, अगर हम अब पीछे हटे तो हार का मुंह देखना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने पीछे ना हटने का फैसला किया। तो चलिए जानते हैं भारत के बहादुर पुत्र तारापोर की वीर गाथा को। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इन वीर बहादुर सैनिकों के लिए जय हिंद जरूर लिखें। 18 अगस्त 1923 को मुंबई में पैदा हुए एबी तारापोर का पूरा नाम अर्देशिर बरजारी तारापोर था। तारापोर के पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का एक हिस्सा हुआ करते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी बहन को गाय के हमले से बचाकर दुनिया को अपनी बहादुरी का परिचय दे दिया था। तारापोर स्कूल पहुंचे तो वहां भी अपने टीचर के फेवरेट बन गए। पढ़ाई, मुक्केबाजी, तैराकी, टेनिस और क्रिकेट, तारापोर इन सब में एक नंबर के थे। इनके माता पिता चाहते थे कि बड़े होकर ये अपने परिवार का नाम रोशन करें, और उन्होंने अपने माता पिता का यह सपना दुश्मनों को करारा जवाब देकर और अपने देश के लिए शहीद होकर किया भी। इनके माता पिता ने तारापोर को पुणे के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। इसी दौरान उनके अंदर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना पनपा, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। मेहनत रंग लाई और 1940 में तारापोर हैदराबाद सेना का हिस्सा बनने में कामयाब हो। गोलकोंडा से अपनी पहली ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनाती दी गई, और साल 1951 तक तारापोर इसका हिस्सा बने रहे। इसी दौरान उन्होंने वर्ल्ड वार II और भारत के विभाजन का दौर भी देखा। 1965 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध से पहले तारापोर भारतीय सैन्य बल में कमांडिंग ऑफिसर के पद तक पहुंच चुके थे, और उनके हाथों में पूना हॉर्स रेजिमेंट की कमान आ चुकी थी। 11 सितंबर 1965 यह वो तारीख थी जब तारापोर के नेतृत्व में पूना हॉर्स रेजिमेंट ने चविंडा की लड़ाई के दौरान सियालकोट सेक्टर में फिलोरा जीतने का आदेश मिला। तारापोर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से विरोधियों ने वजीराली क्षेत्र के आसपास धावा बोल दिया। पाकिस्तानी सेना अपने अमेरिकी पैटर्न टैंक के जरिए जबरदस्त हमला कर रही थी। इस गोलीबारी में तारापोर बुरी तरह से घायल हो गए थे। साथियों समेत सीनियर ने उन्हें पीछे हटने की सलाह दी, मगर तारापोर नहीं माने। जख्मी हालत में भी वो लगातार मोर्चे पर अड़े रहे। गोलीबारी में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर घायल जरूर हुए थे, लेकिन दुश्मन सेना उनके हौसले को तोड़ने में नाकामयाब रही। दुश्मन सेना की गोलीबारी में घायल होने के चलते लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को इलाज के लिए वापस आने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने रणभूमि छोड़कर वापस आने से साफ इनकार कर दिया। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर 14 सितंबर 1965 को अपने रेजिमेंट के साथ वजीराली पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। दुश्मन सेना की तमाम मजबूत कोशिशों के बावजूद वो 16 सितंबर 1965 को जसोरन और बटूर डोगरांडी पर कब्जा करने में कामयाब रहे, जबकि वो 13 सितंबर को वजीराली पर भी तिरंगा फहरा चुके थे। इसके बाद उनका टारगेट चविंडा में तिरंगा फहराना था, जिसे जीतने के लिए वो अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने पूरी मजबूती से उन्हें रोकने की कोशिश की। इस युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के टैंक पर दुश्मनों ने कई बार हमला किया, लेकिन अपने युद्ध कौशल के चलते वह दुश्मन के हर हमले को नाकाम करते गए। युद्ध के दौरान अब उनका लक्ष्य अपनी पैदल सेना के लिए रास्ता बनाना था। वह अपने टैंक से गोले बरसाते हुए लगातार दुश्मन सेना और उनके टैंकों को नेस्तनाबूद करते जा रहे थे। इस युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। लगातार मिलने वाली हार से दुश्मन आग बबूला हो गया था।
उसने ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी पैटेंट टैंकों को जंग के मैदान में उतारना शुरू कर दिया। लेकिन तारापोर ने इनके जवाब की पूरी तैयारी रखी हुई थी। जैसे ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई, वैसे ही भारतीय सैनिक उन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। एक एक करके उन्होंने पाकिस्तानी सेना के टैंकों को प्लान के मुताबिक तबाह करना शुरू कर दिया। भारतीय सैन्य के 43 टैंकों की टुकड़ी तारापोर की मदद के लिए पहुंचती इससे पहले ही उन्होंने दुश्मन के 60 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। तारापोर आगे बढ़ते इससे पहले ही दुश्मन का एक गोला उनके ऊपर आ गिरा और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने कमांडर की मौत के बाद भी भारतीय जवानों ने दुश्मन से जमकर लोहा लिया और अंत में फिल्लौर पर भी तिरंगा फहरा दिया। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर और उनकी यूनिट की वीरता को हमारा सलाम। साथ ही कमेंट में इन वीर पुत्रों के लिए जय हिंद जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन बहादुर वीरों की शहादत को याद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।